अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं हूँ और तहसीन, आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा का ड्रीम तहसीन कैचर। एक्शन। हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है अच्छे लम्हात भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत दुख वाले लम्हात भी होते हैं, बहुत दर्द वाले, और बहुत ऐसे लम्हात भी जिनको आप कभी भुला नहीं सकते। तो ऐसे इंसिडेंट जो हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं, उसमें से एक ये इंसिडेंट जो हमारे पास वीडियो आई है किब्रिस की, और इसको 49 ईयर्स हो गए हैं इस वाक्य को, लेकिन आज भी ऐसा है लोगों को, तुर्की के और वहाँ के लोगों को लगता है कि ये कल की बात है। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इसमें परेशानी और दुख थे, तो हमारे पास वीडियो आ चुकी है, तो पहले वीडियो देखते फिर उससे मज़ीद बात करेंगे। Yıllar boyunca adada Kıbrıs Türkü'nün sağduyulu ve barışçıl tutumlarına rağmen Rumlar Kıbrıs Türkü'nün malına el koyuyor, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden işkencelerle şehit ediyordu. Yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'na karadan, denizden ve havadan başlamıştır. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askeri adını beş parmak dağlarına ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırken adaya barış, huzur ve güveni getirmiş ve Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince 498 evladını 786 mücahitle birlikte Kıbrıslı soydaşlarımız için şehit vermiştir. Evet. Kıbrıs Türk'ü bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin oluşturduğu güvenlik ortamında barışı korumak ve devletini yüceltmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir. Maşallah. Bu white bir flag. Ha, white flag. Okay, Priska. इसलिए स्क्रीन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वाह, नाइस वीडियो। और इसमें एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करवाया गया कि बेसिकली क्या हुआ था, और सबसे एक छोटी सी बात कि कितने लोग शहीद हुए थे। लड़ाइयों का कोई हल नहीं होता, लड़ाइयों की तरफ दोनों तरफ जो है आवाम जो है शहीद होती है, मरती है, और लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन हमने अपनी हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और तुर्की ने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, और वो आज दुनिया को दिखा रहा है कि उसको, और जिससे उनकी हर पावर जो है, हर चीज़ जो है डबल ट्रिपल होती जा रही है। कुछ इकोनॉमी के इशू ज़रूर हैं, लेकिन तुर्की ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है माशाल्लाह। और ये जो इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं ये पूरे वर्ल्ड में हैं, और इसलिए तुर्की में भी हैं, और इंशाल्लाह ये सब जो है बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियोस देख के पता चलता है कि तुर्क कौम जो है कितने ज़्यादा मुश्किलों में से हाँ निकल के आज यहाँ पर स्टैंड कर रही है, और ये हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों फिर हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा जो है तुर्क जो है ना हर मुश्किल से निकले हैं और बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम हिस्ट्री की जब भी कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ मेंशन ज़रूर होती है कि तुर्क ने और इनसे जितने भी कबीले थे इन लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे के सरवाइव साथ किया सर्वाइव है? किया और एक हाँ, दूसरे का साथ दे के एक मजबूत और जो है एक कौम है, तो ये तो हमेशा याद रखा जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी वीडियो। और इस दुख में भी हम आपके साथ हैं, खुशी, आज की खुशी में भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं पूरी दुनिया में ऐसी जंगें दोबारा मत हों, और हमेशा सुलह सफाई से ही सब कुछ ठीक हो जाए, अमन कायम हो, जो मेन चीज़ है। तो थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।